के खिलाड़ी अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और वह अक्सर एक साल में अपनी बैक टू बैक फिल्म देने के लिए भी जाने जाते हैं। और ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद अक्षय अपनी नई फिल्म से दर्शकों के मनोरंजन के लिए वापस आ रहे हैं। पर इस बार उनकी ये मूवी सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। तो बिना देरी किए हुए चलिए जानते हैं कौन सी है वो मूवी जिसका ऐलान अक्षय कुमार ने जन्माष्टमी के मौके पर किया है। इस बार अक्षय कुमार रंजीत एन तिवारी के डायरेक्शन में बनी मूवी कठपुतली में नजर आने वाले है। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार के साथ साथ रकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगी, जिसे 2 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, ये मूवी साउथ की फिल्म रत्सासन का हिंदी रीमेक है, जो कि एक साइको किलर की कहानी है। फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले है। अक्षय ने मूवी का टीजर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रिलीज करते हुए लिखा है कि ये खेल पावर का नहीं बल्कि माइंड का है, और इस माइंड गेम में आप और मैं सब कठपुतली है। हमेशा की तरह अक्षय कुमार के फैंस इस मूवी को देखने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की रक्षाबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है, और इससे पहले भी अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भी फ्लॉप साबित हुई थी। तो ऐसे में अक्षय कुमार अपनी इस मूवी से काफी उम्मीद लगाए बैठे होंगे। अब आपने इस मूवी का टीजर अब तक देखा या नहीं, और इस मूवी के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर ना भूलें। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट की तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।